इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू भी करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, और फिर इसको ओपन करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वी आर डिस्कसिंग कि भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट और आयन तो कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा पार्ट और अपना बचा हुआ है, उस पार्ट को भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस ना कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स है अपन को पढ़ना पड़ेगा कि भाई जैसे अगर अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सम पॉइंट्स, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चले। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई सम पॉइंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे क्या होता है कि जैसे एनर्जी ऑफ वी यूज राइट दैट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है भाई एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है पी ऑर्बिटल से, और पी ऑर्बिटल की कम एनर्जी कम होती है डी ऑर्बिटल से, और डी की एनर्जी कम होती है एफ ऑर्बिटल से। ये तो हमने पहले भी सीखा। तो इन दोनों में क्या होता है स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, लेस एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन इन दोनों में लार्ज एनर्जी डिफरेंस होगा। So, large energy difference. इन दोनों में क्या होगा लेस एनर्जी डिफरेंस होगा, राइट। सो इन दोनों में क्या होगा कि लेस एनर्जी डिफरेंस होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा लार्ज एनर्जी डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा जो एडजेसेंट में होता है जो पास पास होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, लेकिन जो अल्टरनेट वाले होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब है अगर किसी का एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये बात को आप हमेशा याद रखो, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। उसमें क्या मतलब, अगर मैंने भी खाना वाना खा लिया अपना बस पेट भरा हुआ है तो अपन खेलेंगे भी ज्यादा, लेकिन अगर हमारी एनर्जी डाउन होगी तो फिर हम खेलने नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हमारी एनर्जी कम है। तो इन दो में जो एडजेसेंट होते हैं मतलब जो पास पास वाले, क्योंकि एस के बाद पी फिल करते हैं, पी के बाद डी फिल करते हैं, डी के बाद एफ फिल करते हैं, रीजन इज क्योंकि एस की एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होगा उसे पहले फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, इस टाइप से अपन फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे में फायदा क्या, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स में व्हाट हैपन, जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो उसका रीजन क्या होता है, चलो अपन रीजन बाद में लिखेंगे, पहले एक बार चाहिए चेक कर लेंगे फुली फिल्ड मतलब क्या। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, अगर मेरे पास स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन कहेंगे भाई P6 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी P3 से, ये हाफ फिल्ड होगा क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, तो हाफ फिल्ड कितना हो जाएगा 3। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी P5 और P4 और P2 और P1 से। क्योंकि फुली फिल्ड अगर 6 है तो हाफ फिल्ड 3 होगा, तो बाकी क्या होंगे,
बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब पार्शियल फिल होंगे। बिल्कुल वैसे ही मैं कहूंगा D10 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा D5 से, ज्यादा होगा D9 और एनी अदर, मतलब एनी अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 और 10 के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पार्शियली फिल्ड होंगे। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इससे। अब अपन कहेंगे भाई ये बता दो आपकी रीजन क्या है स्टेबिलिटी का, तो अपन कहेंगे रीजन होगा स्टेबिलिटी का, एक तो हो जाएगा एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा होता है सिमेट्री। तो लेट अस चेक, तो रीजन फॉर स्टेबिलिटी ठीक है, रीजन फॉर स्टेबिलिटी होता है द, तो इसमें अपन लिख सकते हैं द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी ना, सेम एनर्जी कैन एक्सचेंज देयर इलेक्ट्रॉन्स, कैन एक्सचेंज देयर इलेक्ट्रॉन अमंग दी ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं अमंग दी ऑर्बिटल्स। तो जैसे अपन लिखेंगे भाई P6 की बात करें, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं P6 की बात करते हैं, तो P6 में क्या होगा, P6 में वी नो दैट वहां पर अपने पास कितने बॉक्स बनाए थे, अपन ने 3 बॉक्स बनाए थे और इन सब में इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, मतलब P6 में फुली फिल्ड होगा ना, तो आप कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता अपन को, ये हो गया अपने पास। तो इन सबकी एनर्जी एक जैसी है, अगर एनर्जी इन सबका एक जैसा है तो दे आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। If they are degenerated orbitals, their energy will be same, their distance from the nucleus will be same. तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, that will be same like this. The size of the orbital is same, the distance from the nucleus of the orbital is same. अगर इन सबका ऑर्बिटल से इन सबका एक जैसा डिस्टेंस होगा तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, तो यहां से यहां भी एक्सचेंज हो सकते हैं, यहां से भी यहां एक्सचेंज हो सकते हैं। तो द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक ग्राफ, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी। ठीक है भाई, अपन कहेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा तो इसमें एनर्जी लिबरेट भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो इट इज राइट ना एक्सोथर्मिक फिनोमेना, सो हियर द 6 इलेक्ट्रॉन विल एक्सचेंज देयर एनर्जी, हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सचेंज द एनर्जी, विल एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स। सो अगर 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी भी लिबरेट ज्यादा होगा, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, राइट? सो वी कैन से दैट एक्सचेंज इन ऑर्बिटल, सो इट विल बी highly exothermic phenomena, because exchange of electron is a exothermic phenomena, exothermic. So we can write like this. अब अगर हम बात करेंगे, suppose you have written that कि भाई इसमें तो आपने fully filled orbitals की बात की, what about the partially filled and half filled orbitals? तो अगर हम half filled orbitals की बात करेंगे, for half-filled orbitals we can write like this, half-filled orbitals. तो इस केस में अपन कहेंगे भाई half-filled orbital में what will happen? We'll have like this p orbital की बात कर लेते हैं इसमें भी, तो इसमें एक-एक इलेक्ट्रॉन होगा,
ऑल आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि वो सिमेट्रिक हैं, उन सब की एनर्जी सेम है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाउ मेनी एक्सचेंज विल बी देयर, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। विल राइट दैट द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स can exchange the electron among them, can exchange the electron between them, so their stability increases, stability increases, इनका जो stability होगा वो increase होगा। so जितना ज्यादा electron exchange होगा उतना ज्यादा energy रिलीज होगा, राइट। सो अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया हमने कि मतलब वो ऐसे सबका एनर्जी सेम है, बिकॉज ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन, सो दे विल बी कॉल्ड एज, अगर द एनर्जी द ऑर्बिटल्स द सेम एनर्जी विल बी कॉल्ड एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, दीज आर ऑल्सो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। व्हाट अबाउट द पार्शियली फिल्ड, फॉर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, अगर हम पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात करें तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया मैंने कि मतलब ऐसे इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा, बट द ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, लेकिन वो तो हाफ फिल्ड हो गया। तो मैं कहूंगा यहां पर अपन कहेंगे यहां पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, क्यों, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है इससे, सो दीज ऑर्बिटल्स विल हैव डिफरेंट एनर्जी देन दिस, व्हाई इट इज सो, बिकॉज दे आर नॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, व्हाई इट इज सो, बिकॉज इन दोनों में एनर्जी इसलिए अलग होगा क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इन दोनों में एक्सचेंज होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे तो ये तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी इन दोनों से, तो इन दोनों में तो एक्सचेंज बताओ, और इन दोनों में अगर एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का तो देर आर फोर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर तो थ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर मैं क्या लिखूं, फोर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना चार इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो है, लेकिन ऑल ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजनरेटेड, दे आर नॉट सिमेट्रिक, सो इफ दे आर नॉट सिमेट्रिक और डीजनरेटेड दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, so iska stability even though it has four electron exchange its stability will be less, so jo second point tha na reason for stability, ek to tha energy exchange aur dusra reason hota hai stability ke liye that is symmetry of orbitals, so here the orbitals are not symmetric, the orbitals are not symmetric, symmetric things are always more stable, symmetric or so we'll write that degenerated, so their stability will be less, thus we can say that stability of orbitals depends on of orbitals depends on, एक हो गया हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी, और दूसरा हो जाएगा अपने पास सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स अगर ऑर्बिटल्स इवन दो यहां पर अपन ने देखा ना, यहां तो चार इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है,
लेकिन फिर भी इसको स्टेबल कम बताया था मैंने, पार्शियली फिल्ड. व्हाट इज सो? बिकॉज देयर इज नो सिमेट्री. यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है लेकिन दे आर सिमेट्रिक, सबकी एनर्जी एक जैसी है. सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी. ठीक है, अभी वी गॉट इट कि भाई हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एनर्जी ऑफ एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ, ऐसे इन दोनों में स्मॉल डिफरेंस, इन दोनों में स्मॉल डिफरेंस, इन दोनों में स्मॉल डिफरेंस, बिकॉज दे आर नेबर्स. बट इन दोनों में लार्ज डिफरेंस, इन दोनों में भी लार्ज डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया एनर्जी के लिए. नाउ दिस इज बिटवीन द सबशेल्स, ये अमंग द ऑर्बिटल्स था. एक ही ऑर्बिटल के लिए जैसे डी है तो डी टेन विल बी मोर स्टेबल देन डी फाइव, डी फाइव विल बी मोर स्टेबल देन पार्शियली. तो व्हाट आई से दैट, आई विल राइट द एग्जांपल. सो अपन लिखेंगे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24, ये लिखता है. तो मैं कहूंगा उसमें क्या है, 24 है ना, सी आर लिखता हूं, 24 है, 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 एंड 3d4 लिखता हूं. हो गया, 3d से पहले 4s2 करना होता है, वो मैंने आपको बताया. हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये एडजेसेंट जो है ना एस और डी है, और आप मुझे बताते हैं कि एस का एनर्जी कम होता है डी से, पी से डी का एनर्जी कम होता है डी से, और डी का एनर्जी कम होता है एफ से. अभी ये दोनों पास पास लिखे हुए हैं एस एंड डी, और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. इसका एनर्जी विल बी लाइक दिस कि भाई सपोज कर लेते हैं एनर्जी कम है इसका, तो इसका एनर्जी सपोज 2 है, इसका 5 होगा, इसका अपन कहेंगे भाई चल मान लेते हैं 10 होगा, और इसका सपोज करते हैं अपन 16 होगा एनर्जी. अगर मैं इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना दूं, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ा दूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, ये इनकी एनर्जीज है व्हेन दे आर फुली फिट. अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर ये पार्शियली फिल्ड है, अगर इसको अपन हाफ फिल्ड बनाएंगे तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, फुली फिल्ड है तो एनर्जी 2 होगा. अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया. तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई सिंस इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना लूं और इसको स्टेबलाइज कर दूं तो हमारा सिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डी की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है अगर उसे स्टेबल बना दिया जाए तो अपना सिस्टम स्टेबल हो जाएगा. लेकिन ये एक्सचेंज सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, वो भी किसमें, ऑल्टरनेट में, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है. मैं ये कभी एस और पी में नहीं कर सकता, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग इज आप ऐसे नहीं कर सकते. मान लो मेरे पास क्लोरीन के लिए मैंने आपसे कहा 17, 1s2 2s2 p5 3s2 p5, ऐसे ये p6 था वो p5 हो गया. तो अपन कहेंगे ठीक है जैसा इधर कर रहे हो मैं इधर भी कर दूंगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, इसको दूंगा तो ये हो जाएगा 3s1 और ये p6 हो जाएगा. देखो ये पूरा फुली फिल्ड हो गया. तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं कर सकते आप. क्यों नहीं कर सकते? आपने किया तो है एस और डी. तो अपन कहेंगे देखो भाई ये एस और पी ना नेबर्स है, इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होती. आप इसको अनस्टेबल बनाओगे और इसको स्टेबल बनाओगे
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला एनर्जी। लेकिन अगर ये ऑल्टरनेट है, मतलब एस डी है, एस और एफ होता तो और भी अच्छा होता। एस और डी का मतलब है इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों? क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है और उसका एनर्जी बहुत ज्यादा था डी का। डी और एस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, पार्शियली फिल्ड जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना भी दें और इसको स्टेबल कर दें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वो क्यों? क्योंकि डी का एनर्जी एस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। अगर एनर्जी डी का बहुत ज्यादा था तो उसे स्टेबलाइज करो भाई, अगर हो सकता है तो। क्योंकि अगर वो स्टेबल होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम से। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे अगर एस से डी में इलेक्ट्रॉन डाल के डी या तो फुली फिल्ड हो जाए या पार्शियली फिल्ड हो जाए तो अपन कर देंगे। लेकिन एक ही एक्सचेंज का इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा ये डी थ्री है, चलो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर दे देते हैं, तो अपन कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो एस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अगर इधर जीरो बना दिया तो फिर एस है ही नहीं इसका मतलब। इसलिए अपन एस को क्या बना सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन कर सकते हैं कि भाई एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे देते हैं। तो फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखो, तो अपन कहेंगे यही लिखो चिकन वाला, ये तो गलत है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं एस और डी में, एस और पी में कभी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए ये गलत है, ये वाला ही सही। क्यों? क्योंकि एस और पी में एनर्जी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अगर इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है तो फिर उस केस में अपन उसे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर सकते। पी और डी में इलेक्ट्रॉन शो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर सकते, क्योंकि नेबर्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होंगे, वो हमेशा अल्टरनेट वाले ऑर्बिटल्स मतलब नेक्स्ट नेबर से ही हो सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा मान लेते हैं एक क्रोमियम जैसे आपने बताया वैसे अपन लिख सकते हैं कॉपर, दैट इज 29। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखेंगे तो इट इज 29, तो अपन लिखेंगे भाई 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d9, ये बन रहा। क्या करेंगे अपन, 3d9 आया और s उसके साइड में है तब तो हमें एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना चाहिए, तो फुली फिल्ड हो जाएगा। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, अपन इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 P6, 3s2, P6, 4s1 and 3d10. ये तो fully filled हो गया। मतलब this is wrong, this is correct, because इसमें d का stability बढ़ेगा तो ज्यादा exothermic होगा। तो this will be the electronic configuration of chromium, this will be the electronic configuration of copper. तो ये exchange सिर्फ s और d में हो सकता है। तो क्रोमियम और कॉपर दोनों को ध्यान रखो, क्योंकि जनरली एटॉमिक नंबर 32 तक अपन से पूछते हैं, उसमें क्रोमियम और कॉपर आता है 32 एटॉमिक नंबर तक, जिनमें ये इस टाइप का चेंज आता है। बाकी और भी है बट हमें अभी उनको नहीं पढ़ना है, बाद में अपन उन्हें डिस्कस कर सकते हैं जैसे जैसे अपन आगे पढ़ें, बट अभी के लिए आपको क्रोमियम और कॉपर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। लास्ट टाइम मैंने आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताया था, ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल भी बताया। ये हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन कैसे बताएंगे क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस दोनों
ज्यादा था, अगर ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो इसको थोड़ा सा अगर कम स्टेबल भी करेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे तो जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसको स्टेबल बनाना ज्यादा जरूरी है, तो हमारा सिस्टम पूरा स्टेबल हो जाएगा। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो मुझे आपको बताना था। अब इसमें ना अपन को थोड़ा सा वापस श्रोडिंगर इक्वेशन पता होता है, ठीक है ना। अब श्रोडिंगर इक्वेशन के पहले मैं थोड़ा सा पार्ट अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट, उसको रिवाइज कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ने के बाद फिर अपन वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, तो कल टेस्ट में भी है उसको थोड़ा रिवाइज कर, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जो है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है, ये बस ऐसे ही अपन को एक बार डिस्कस करना होता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री को कि भाई, ठीक है ना, अपन आईटीसी बोलते हैं उसको, जो भी बोलना है आप बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हमें सिर्फ ये बताना है कि थोड़ा सा मोल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एटम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लाइक दैट इट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अब वुड बी एक्सपेक्ट कि बच्चों को थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई एटम्स के बारे में, वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री होता है, थोड़ा सा बच्चे फैमिलियर हो जाए। कैसे? तो अपन कहते हैं कि भाई जैसे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं भाई एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट है, कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, ये इस टाइप के डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो अपन कहेंगे भाई एटम वो होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन ऐसे तो होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो एटम वो होते हैं जिनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता और हो भी सकता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, भाई ओ टू भी मॉलिक्यूल होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, वो सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपन को भी पता है। सॉल्ट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ कैटाइन्स एंड एनायंस, दे आर कॉल्ड सॉल्ट्स, ये भी अपन को पता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो अपन कहेंगे कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम, दे आर ऑलमोस्ट सेम, सो इट इज सिमिलर टू सॉल्ट, सॉल्ट। तो सिमिलर टू सॉल्ट मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई Na2SO4 इट इज अ कंपाउंड, सोडियम सल्फेट, मतलब कंपाउंड में देयर इज नो लिमिटेशंस, वो सेम एटम भी कलेक्शन हो सकते हैं और कितना भी कलेक्शन हो सकता है, राइट। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स अगेन द सेम थिंग, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Right? So molecules which have independent existence or elements जो होंगे that is collection of same type of atoms, a single atom or collection of same type of atom, same type of atom of atom। जैसे मेटल्स होते हैं तो सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, दे आर लाइक दिस। बट एलिमेंट्स में ओ टू हो जाएगा, दैट इज एन टू हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा, दीज आर एलिमेंट्स। इवन ओजोन विल बी द एलिमेंट, व्हाट इज सो सेम टाइप ऑफ एटम, सो ओजोन विल बी द मॉलिक्यूल एज वेल एज एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे अपन पढ़ते हैं भाई व्हाट इज एटॉमिक नंबर,
तो अपन कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, मास नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक मास, कभी कभी अपन से अपन को डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, भाई इसमें डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड द मास नंबर। तो अपन कहेंगे भाई मास नंबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। तो उसको अपन न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं अपन उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, मास नंबर कैन नेवर बी फ्रैक्शन। ये दोनों में डिफरेंस। व्हाई एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल? बिकॉज इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर, बिकॉज इट इज एवरेज मास ऑफ आइसोटोप of all isotopes, ठीक है भाई। तो आप एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो, हम क्या करेंगे किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां उसका मास नंबर लिखेंगे और यहां उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा आपको, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम ये 23 है या 11, तो ये इसका ए वैल्यू है और ये इसका जेड वैल्यू, तो इसके प्रोटॉन कितने हो गए 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा ए माइनस है, दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन दीस for any element, ठीक है। तो मैं ऐसे बता सकता हूं, सपोज मुझे ऐसे गिरा, मैंने आपसे कहा मेरे पास Cl या ऐसे गिरा नाइट्रोजन माइनस, तो अभी ठीक है नाइट्रोजन का प्रोटॉन तो 7 होता है बिकॉज दैट इज द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इसमें आपने 3 ऐड किए एक्स्ट्रा, अगर आप कोई एनाइन लोगे तो जैसे अपन मतलब कोई भी अपन ने कहा भाई मेरे पास सीएल माइनस है और इसमें सीएल का ए और जेड, सीएल का ए होता है 37, ये 35 भी हो जाएगा, ये 17 भी होगा, तो ये जेड इज इक्वल टू 17 लिख देता हूं। लेकिन जब आप एनाइन की बात करोगे ना इसमें, तो फिर कहोगे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा, वो तो 17 ही होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन 17। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया 18। तो फिर न्यूट्रॉन कितना होगा, तो अपन कहेंगे 35 माइनस 17 दैट विल बी द राइट विद दिस माइनस दिस विल बी द राइट वी कैन से दैट, तो वी कैन राइट दैट। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई, इसके लिए नाइट्रोजन तो ऐसे होता है नाइट्रोजन एटम ये 7 होता है और ये 14 होता है, तो प्रोटॉन आपने 7 लिखा, इलेक्ट्रॉन आपने 3 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन 3 एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा और विल रीड दैट न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 7 आ जाएगा, दैट इज ऑल वी कैन राइट। तो अगर कैटाइन होता तो एक बात हमें पता चल गया कि इस पे एलिमेंट पे अगर कोई चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी चेंज नहीं होता,
क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल। जब इस पे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो शेल में चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस में कुछ भी चेंज। इसलिए किसी भी आयन के लिए जैसे हमने बोर रेडियस कैलकुलेट किया तो जेड का वैल्यू हमने हमेशा एटॉमिक नंबर लिया। द रीजन इज बिकॉज आप वन इलेक्ट्रॉन लिखो या कुछ भी लिखो, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज वो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। फॉर न्यूट्रल एटम आप कह सकते हो, जैसे कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे ये न्यूट्रल था ना, पॉजिटिव चार्ज तो इसमें है ही नहीं, तो फॉर न्यूट्रल एटम यू कैन राइट दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, बट फॉर आइंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी अभी अपन बात करेंगे जैसे मैंने कहा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है सपोज क्लोरीन का ऑफ सीएल, तो सीएल एटम जो है इट एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स, ये दो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। द टू आइसोटोप्स आर Cl35 एंड Cl37। दीज आर द टू आइसोटोप्स व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर। सो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप एग्जिस्ट इन नेचर, उनको गिवन होता है। ये जो है और ये जो है, दिस विल बी 75% इन नेचर, ये रेशियो में गिवन होता है, एंड दैट इज 25% इन नेचर। इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेशियो ऑफ 3:1। इन दोनों का रेशियो, हाँ तो 75:25 रेशियो ही तो हुआ, 3:1 लिखो या कुछ भी लिखो हमें क्या पड़ता है। तो ठीक है, एवरेज मास आपने कहा कि भाई इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन नेचर, तो एवरेज मास का मतलब हो गया 35 का 75% और 37 का 25%। We got the answer 35.5. This is the average. इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का मतलब है कि भाई एवरेज मास फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आइसोटोपिक मास होता है एटॉमिक मास उसको A1 ले लेते हैं, एक का मास, उसका परसेंटेज ले लेते हैं। ये एक तरीके से फ्रैक्शन है, 3 in 4 मतलब टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 100, मतलब 10 प्लस 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि अगर इसका परसेंटेज मैंने ले लिया सपोज ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय n1 upon n1 plus n2। n1 plus n2 मीन्स This plus this. ये N1 है, ये N2 है. Plus I can write that. A2 into, अब इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए एटॉमिक मास मैंने A2 ले लिया, तो इसके लिए आप N2 ले लो, तो मैं इसको ले लेता हूं भाई N2 by N1 plus N2. This is nothing but the fraction ना, इसका फ्रैक्शन 75 by 100 is nothing but the fraction of this. तो अपन को लिख सकते हैं A1, या तो आप N1 upon N1 plus N2 लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है, बस इसी को रहने देते हैं क्योंकि अपन इसमें ये रेशियो भी डाल सकते हैं। ये क्या आ जाता है 3 upon 3 plus 1, ये कितना होता है 1 upon 3 plus 1, ये गेट द आंसर 3 plus 1 is 10। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई ठीक है, अगर मुझे और भी, अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके और भी आइसोटोप होंगे तो उसमें भी कैलकुलेट कर सकते। अब मान लो मुझे गिवन है, अपन ने कहा और ये बात तो पक्का है कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे
उन सभी आइसोटोप्स में जो एलिमेंट का आइसोटोपिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो हाईएस्ट मास और लोएस्ट मास के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इसको इसमें मिक्स करो या इसको इसमें मिक्स करो, इसको इसमें मिक्स करो या इसको इसमें मिक्स करो, किसी भी रेशियो में आंसर 35 और 37 के बीच में ही रहेगा। भाई अगर अपन कहेंगे, जैसे आप देखो ना, 35 वाले को आपने 75% लिया और थोड़ा सा इसको 25% मिक्स किया, तो आंसर अपना 35 के पास आया, क्योंकि 35 का परसेंटेज ज्यादा था। अगर आप इसको 100% ले लो तो अपन कहेंगे ये 35 हो जाएगा आंसर। अगर ये 75 होता और ये 25 होता तो अपन कहते हैं आंसर हमारा 37 के पास आता, और अगर यही 100% हो जाता तो हमारा मैक्सिमम आंसर 37 आ सकता है। तो एवरेज मास हमेशा हाईएस्ट मास ऑफ आइसोटोप्स, लोएस्ट मास ऑफ आइसोटोप, उनके बीच में ही रहेगा। जैसे उनको एक एग्जांपल, द एवरेज मास ऑफ बोरॉन इज 10, इफ इट एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स। अपने लिखा एक B9, एक B10.5 है एंड एक B11, दीज आर थ्री आइसोटोप्स। इफ B9 इज, इफ B9 इज 75, दैट इज अपन ऐसे कर लेते, इफ B9 इज 50%, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ B11, बता देंगे अपन क्या करेंगे। आपने ये तो मुझे बता ही रखा है। अब पहले आप क्या कर रहे थे कि दो आइसोटोप थे, अब आपने 3 आइसोटोप ले लिए, तो मैं ऐसे कर लूं, फिर कहेंगे लेट, अब B9 तो अपन को गिवन है, तो अपन लिखेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ B11 इज x, देन B10.5 विल बी 50 - x। भाई 50 तो ये था ही, बाकी अगर B9 50% है तो ये दोनों बाकी 50% होने चाहिए, तो एक को x ले लेते हैं, दूसरा 50 - x हो जाएगा, क्योंकि ये तो 50 मुझे क्यों नहीं लिख लो। Therefore, एवरेज मास विल बी इक्वल टू A1, इसको ना ये वाला पार्ट को अपन x1 ले लेते हैं, A2x2 प्लस A3x3। टोटल परसेंटेज हमेशा बन ही रहता है, यह रेशियो हमेशा बन ही रहे, फ्रैक्शन रेशियो। चलो देखते हैं, A1 अपन B9 में ले लेता है, 9 इंटू कितना परसेंट था B9, 50% ले लिया उसका 50%। A2 कितना है 10.5, 10.5 को क्या लिया 50 - x डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं, और ये कितना लिया आपने P3 11, X3 कितना लिया आपने, ये X हो गया परसेंटेज, ये परसेंटेज थे हैं, ये आपने लिखा था परसेंटेज ऑफ दिस, तो X बाय 100। लो भाई X का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर बताते हैं।
तो एवरेज मास कितना आ जाएगा? तो फिर कहेंगे ये वैल्यू तो आपने मुझे दे रखी थी वो 10 थी, 1000 हो गया, 100 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 50 450 हो गया, 10.5 इंटू 50 विल रीड दैट प्लस, सो 105 इंटू 5 525 राइट ना, दिस इज 105 इंटू 5 ना 5, ये मैंने वैसे कर दिया ना, 10.5 इंटू 50 था तो अपन इसको 105 इंटू 5 कर लेते हैं डिवाइड बाई 10 करके, वो तो इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास 525, तो ये हो गया माइनस 10.5x प्लस 11x, लो भैया आपका x आ गया, ये दोनों ऐड करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 525, 975 आ गया, 100,000 इज इक्वल टू 975 ठीक है, और माइनस 10.5x प्लस 11x वी गॉट दिस, तो ठीक है भाई यहां पर अपन को 0.5x आ गया, तो 1000 माइनस 975 इधर लेके आया, तो इसको माइनस कर देते हैं तो अपने पास आएगा 0.5x, तो ये 25 आ गया अपने पास, 25 इज इक्वल टू 0.5x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास डिवाइड बाय 2 ना, सो ऑलमोस्ट 50% ही आ गया अपने पास, दैट इज 25 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू x, सो कितना आ गया अपने पास x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5, तो ज्यादा ही आ गया अपने पास 50% आ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब नियरली 50% ही आ गया अपने पास x, तो बाकी जो होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, कितना आया था अपन ने कितना लिया था एवरेज 10.5 लिया था ना एवरेज, इसका मतलब है 10.5 के आसपास ही रहेगा, तो ऑलमोस्ट 10.5 वाला जो है ना वो ऑलमोस्ट 50% हो गया, अपन ने कोई कैलकुलेशन वो तो किया नहीं ना नियरली कुछ ऐसा कुछ नहीं किया अपन ने, नहीं मतलब कोई एक जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो ऑलमोस्ट 100% जैसे हो जाएगा, मतलब अगर ये 50% है तो बाकी दोनों मिला के 50% होने चाहिए, लेकिन एक सपन ने किसको लिया था B11, मतलब B11 जो होगा वो ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा, तो B10.5 नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि अपना वैल्यू एक्स का तो इसका ही वैल्यू आ रहा है ऑलमोस्ट 50%, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, अपन एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये x का वैल्यू 50% आया मतलब ये तो नेगेटिव हो गया फिर उसमें राइट, तो अपन ऐसे चेक कर लेंगे कि भाई ठीक है इधर 95450 ना बिल्कुल करेक्ट है, 1050 ये भी करेक्ट है और 11x ये भी करेक्ट है अपना, तो 0.5 अपन ने लिए तो बिल्कुल करेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ऑलमोस्ट अपन बता सकते हो 50% होगा, कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस राइट right? तो आप ऑलमोस्ट बता सकते हैं कि भाई कितना ऐसे अपन कैलकुलेशंस विल बी लाइक दिस, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कंसेप्चुअली, आप कैलकुलेशन ऐसे करके बता देंगे कि भाई अगर ये ही 50% है तो क्योंकि x का वैल्यू 50% आ रहा है ना अपन को, तो ये ऑलमोस्ट 50% है, ये अपन को 50% गिवन था, तो ये जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा वहां पर ऑलमोस्ट नहीं, बोल सकते हैं भाई दिस इज द एवरेज मास, तो हमें ये पता रहता है कि जब अपन एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं ना तो एटॉमिक मासेस फ्रैक्शंस भी आते हैं, लेकिन अगर एट मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो मास नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं आता, ये लो अब ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे अपन मान लो कि एटॉमिक मासेस आपको पता होना चाहिए, मतलब आप सबको थोड़ा सा एटॉमिक मासेस के बारे में आइडिया सभी को होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है राइट right? अब देखो अगर अपन पीरियडिक टेबल की बात करें तो पीरियडिक टेबल में एटॉमिक मासेस क्या होता है, तो अगर मान लो मैं लिखता हूं आपको मास ऑफ सोडियम, तो पीरियडिक टेबल में जो ग्राम होता है अपन लिखते हैं 23 ग्राम, this is called atomic mass of sodium,
मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास। अपन कहते हैं भाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स, मास ऑफ, सपोज करते हैं अपन का भाई मेरी मर्जी में तो क्लोरीन लिखूंगा, तो अपन लिखेंगे 35.5 ग्राम्स, ये जो अपने पास मासेस अपन ने लिखे ना, ये है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। तो दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ठीक है, इनको अपन कहते हैं मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं अपन उसे, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर अपन कहेंगे कि भाई अब ये बता दो ये मोल्स है क्या, ठीक है, तो फिर कहेंगे अच्छा देखो अगर मुझे मुंबई से नासिक जाना, मैं तुमसे कहूंगा बताओ कितने सेंटीमीटर मुझे जाना है, तुम कहोगे सर सेंटीमीटर कैसे पूछ सकते हो आप, ये तो किलोमीटर से छोटा यूनिट में पूछ ही नहीं सकते आप। अच्छा ठीक है, तो आप इसको सेंटीमीटर में नहीं पूछ सकते, आपको किलोमीटर में ही पूछना पड़ेगा, इवन मीटर में भी नहीं पूछ सकते। अगर मुझे इस पेन का लेंथ पूछना है, मैं आपसे कहूंगा कितना किलोमीटर है, तो आप कहोगे आप सब गड़बड़ कर रहे हो, ये किलोमीटर थोड़ी होगा, ये सेंटीमीटर होगा। मतलब आप ये बोल रहे हो मुझसे कि डिपेंडिंग ऑन द मैटर क्वांटिटी आप यूनिट डिसाइड करो, बिल्कुल मैं भी तो यही कह रहा हूं कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट हमें यूनिट डिसाइड करना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा वन डजन, अब वन डजन कुछ भी हो सकता है, दैट वन डजन कैन बी बनाना, चेयर, टेबल, कुछ भी हो सकता है। जैसे वन डजन 12 होता है वैसे ही वन मोल 6.023 × 10³ होता है यूनिट्स होता है, वन मोल ये होता है। तो इसका मतलब है अब अपन कहेंगे डजन का यूनिट बताओ, तो अपन कहेंगे डजन का कोई यूनिट नहीं होता, वो 12 नंबर ही होता है बस, ऐसे ही मोल का कोई यूनिट नहीं होता, वो एक नंबर है बस। जैसे हम कहते हैं कि 1 dozen = 12, तो अगर मेरे पास कोई चार बनाना है तो बताओ कितने डजन है, तो हम कहेंगे ठीक है बट 12 होते आपके पास तो 1 dozen बोलता, अगर 4 है तो 1/12 × 4 कर देगा, वो आपके पास क्या होता है। ऐसे ही मैं कहूंगा अगर वन मोल इतने यूनिट्स होता है, ये अपन कहते हैं वन मोल बनाना, तो अपन को पता है वन मोल बनाना क्या होता है, वन मोल बनाना मतलब इतने सारे बनाना, और ये इतना बड़ा नंबर है कि हमें कम से कम दो दो जन्म तो लेने ही पड़ेंगे उसको काउंट करने, वो इतना बड़ा नंबर है कि उसको काउंट करने में अपन को दो जन्म लेने पड़ेंगे, ये इतना बड़ा नंबर है। इसलिए अपन ऐसे तो नहीं बोलने वाले अच्छा बताओ मेरे पास एक मोल बनाना है तो
मेरे पास अगर 100 बनाना है तो कितने मोल्स है, अपन कहेंगे कैलकुलेशन में तो कर सकता हूं, 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच, तो 100 विल बी इक्वल टू कितना मोल्स, 1 बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100 मोल्स। अभी ये पता चल गया कि ये मोल्स होता क्या है, जब भी अपन कंफ्यूज होंगे अपन मोल्स को डजन से कोरिलेट करते हैं, भाई अगर एक डजन इतना होता तो कितना होता, तो कितने हैं तो कितना डजन बता। अब अपन क्या करेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू इतना यूनिट्स होता, तो जैसे मान लो 1 मोल है मेरे पास, तो ये मोल्स जो होता है ना, ये अपन ने किया मास ऑफ 1 मोल, मतलब अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है तो 1 मोल सोडियम है, और 1 मोल सोडियम में इतने एटम्स हैं सोडियम एटम, व्हाट इज द मास ऑफ आयरन, यू नो दैट मास ऑफ आयरन क्या होता है, मास ऑफ एफ इज इक्वल टू 56 ग्राम होता है एटॉमिक मास, मतलब 56 ग्राम आयरन में इतने एटम्स होंगे, कितने ये अपन सबको पता है 56 ग्राम आयरन कितना होगा, वो वेंडर के पास अपन देखते हैं ना 1 kg इतना बड़ा रखता है आयरन, 50 ग्राम कितना होगा, यू नो दैट 56 ग्राम उसमें से 6 ग्राम और ऐड कर दो, मतलब इतने छोटे आयरन में कितने एटम्स हो गए आयरन के, तो अगर अपन डजन कहते कितने डजन आयरन है 56 ग्राम में, तो काउंट ही करते रहते, तो अपन क्या करेंगे आपके सैंपल के हिसाब से हम यूनिट डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मुझे मोल्स बोलना चाहिए या डजन बोलना चाहिए, डिस्टेंस के हिसाब से आप डिपेंड कर रहे थे कि किलोमीटर बोलोगे कि सेंटीमीटर बोलोगे, तो मैं भी तो ये कह रहा हूं कि सैंपल साइज के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मोल्स में सॉल्व करना चाहिए या डजन में सॉल्व करना चाहिए। सो केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे अपन कहेंगे ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने ऑक्सीजन एटम्स है, राइट, जो पीरियोडिक टेबल में मासेस गिवन होते हैं वो मासेस अगर आप ग्राम्स में लिखोगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स is called gram atomic mass. तो जो gram atomic mass होता है that is equal to mass of 1 mole of atom. That is called gram atomic mass. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 gram atom of substance. तो मैं अभी इसको हटा लेता हूं क्योंकि मैं इसको बाद में लिखूंगा, मुझे भी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा वो छोटा सा पार्ट है, वो लिखने का तरीका है, मतलब जैसे अपन कहते ना शब्द को आप थोड़ा सा चेंज कर दो सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इट इज लाइक दैट, इसलिए मैंने उसको हटाया कि वर्ड में अभी कुछ नहीं फंसाना चाहता मैं, आप तो सीधी सीधी बात सुनो, पीरियोडिक टेबल में जो भी मासेस गिवन है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, अगर इनमें ग्राम की जगह आप ऐसे लिख दो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम दैट विल बी इक्वल टू 23 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब आप ग्राम की जगह एएमयू लिख दो, क्या लिख दो, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक एटम का मास हो जाएगा, मतलब अगर ग्राम की जगह मैं एएमयू लिख दूं तो वो एक एटम का मास, तो इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ठीक है आपने ग्राम लिखा था मैं इसको 60 एएमयू लिख देता हूं, ऐसे ही मास ऑफ 1 एटम ऑफ सीएल उसको भी एएमयू लिख देता हूं, तो अपन कहेंगे ये तो बड़ा इजी है फिर तो हमारे लिए,
35.5 AMU, ये तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स। ये 27 kg, आपकी मर्जी, आप जो चाहे लिख सकते हैं। ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे फिर तो मुझे सारे ही पता चल गए पीरियडिक टेबल। जो भी पीरियडिक टेबल में गिवन है वो मुझे सारे ही पता चल गए, क्योंकि पीरियडिक टेबल में एटॉमिक मास गिवन होता है, हमें बस पता रखना है कि भाई किसका एटॉमिक मास कितना होता है और वो अपन क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर मुझे एटॉमिक मासेस गिवन है तो मैं बता सकता हूं कि किसका वन मोल का मास कितना होगा, तो एक एटम का मास कितना होगा। मैं पहले आपको एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद अपन और थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग समझने के पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा कि इसको आप ध्यान रखो, 1/6.023 इंटू 10^20। ये होता है 1.67 इंटू 10^-24। मतलब एवोगैड्रो नंबर, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना, देख भाई 1 dozen होता है 12, तो 1/12 क्या नंबर होता है वो याद रखा था। बस 1 dozen होता है 12, मैंने आपसे कहा चलो 1/12 याद रख लेते। ठीक है, 1 mole इज इक्वल टू ये होता है, आपने कहा कि भाई 1 by एवोगैड्रो नंबर कितना। अब तुम एक बात देखो, एवोगैड्रो नंबर अपन को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, रिलेटेड है कुछ कुछ, मतलब ये नंबर का सब हेर फेर है जो अपन बोलते हैं भाई एवरीथिंग, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला पार्ट है, लेकिन अपन हिट एंड ट्रायल नहीं करने वाले, तो साफ साफ बात करने वाले हैं कि देखो तुम मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते। आप साफ साफ बता रहे हो 1/12 मतलब इनवर्स ऑफ कुछ डजन लिख रहे हो तुम, कोई बात। एक बार एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद अपन आगे, क्योंकि कुछ आपको ना क्लियरिटी से ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हमें ये पता है पीरियडिक टेबल में जो मासेस गिवन है उनको अगर ग्राम में लिखो तो वो 1 mole का मास होता है, जैसे 1 dozen का मास है, तो ग्राम में लिखो तो 1 dozen का मास है, और उसी को एएमयू कर दो तो 1 का मास है, तो बड़ा इजी है। तो अपन क्या करेंगे, एएमयू की बात करते हैं। तो अपन लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट ये हो गया। तो फिर कहेंगे इसको क्या पढ़ना, आप खुद बोल तो रहे हो क्या है, कैसे बोल रहे, प्रोनाउंस करो, एटॉमिक मास यूनिट मतलब मास ऑफ 1 unit ऑफ एटम। भाई आप खुद ही तो बोल रहे हो मुझसे एटॉमिक मास यूनिट, उसमें क्या पढ़ना, आपने खुद ही तो बोला है एटॉमिक मास यूनिट मतलब मास ऑफ 1 unit ऑफ एटम, यूनिट का मतलब 1 होता है, तभी तो आपने डजन को 12 यूनिट्स लिखा कि 12 पढ़ना, तो मास ऑफ 1 unit ऑफ एटम। तो अपन कहेंगे वो तो यहीं से बता दूंगा मैं, उधर क्या जाने की जरूरत है, भाई इतने यूनिट्स का 1 mole बोलते हो आप, तो 1 unit को कितने मोल बोलोगे, खुद ही बता दूंगा 1/1. तो कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं होता क्या, होता है, पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होता है, इट इज डिफाइंड एज एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन का एक आइसोटोप कार्बन 12 एटम,
कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14। सबसे ज्यादा 98% होता है 12, फिर 13 और फिर 14, इट इज ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यही तो लिखा 1 AMU। ठीक, तो अपन कहेंगे भाई देखो अब कार्बन के लिए अगर अपन लिखेंगे तो 1/12 लिख लेते हैं पहले, और अब ये बताओ कि 1 मोल का मतलब हो गया जैसे कार्बन एटम है, तो कार्बन के 1 मोल का कितना मास होगा, उसका एटॉमिक मास ग्राम में ले लो। तो मास ऑफ कार्बन एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू दिस, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम हो जाएगा। अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब यहां पर लिख दिया, अब जैसे मैंने मान लो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस, चलो यही लिख देते हैं, कोई बात, मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, ये तो अपन को पहले से पता, नहीं भी लिखते तो भी पता था मुझे। तो अगर 12 ग्राम मतलब 1 मोल, मतलब इतने एटम्स का मास ऑफ कार्बन एटम, इतने एटम का मास कितना है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई बड़ा इजी हो जाएगा ये तो मेरे लिए, आपने कहा मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 12, तो मास ऑफ 1 मोल मतलब 12 ग्राम है, तो 1 मोल का मास 12 ग्राम है, और 1 मोल में कितने यूनिट्स हैं, मतलब जैसे ये तो ऐसे हो गया भाई मास ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो मास ऑफ 1 डजन मतलब कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो एक का मास कितना होगा, ठीक है कैलकुलेट कर देते हैं भाई, 1 डजन का इतना है तो एक का कितना होगा 12/12 हो जाएगा, तो 1 मोल का इतना है तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, ओके सो 12 ग्राम इज इक्वल टू दिस मच यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब एक एटम का कितना मास होगा, तो अपन कहेंगे 1/Avogadro नंबर इंटू 12। अब मेरे ख्याल से हमें इस पार्ट को हटा लेना चाहिए क्योंकि आपको ये पार्ट अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे मुझे ना लिखना था उस पार्ट को, वो लिखना चाहता था मैं। आपने कहा कि भाई मास ऑफ 6.023 × 10^23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/6.023 × 10^23 × 1। ये तो ये पार्ट में लिख के बताना चाहता था, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको हटाया और मेरे पास स्पेस नहीं था। अपन कहेंगे ठीक है भाई एक एटम का मास तो मुझे पता है, आपने लिखा हुआ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम, 1/12 तो लिख लिया आपने, अब एक एटम का मास और लिख दो वहां पर, तो कितना हो जाएगा ये आएगा अपने पास 12/6.023 × 10^23 कितना है अपने पास, कितना आया अपन कहेंगे ये तो ग्राम था ना, ये तो क्योंकि इसका तो कोई यूनिट नहीं था 1/12 था, लेकिन यहां तो आपने लिखा था ना 12 ग्राम, तो इसका इसका यूनिट तो रहेगा ना ग्राम में, ठीक है ये तो कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/Avogadro नंबर 1.602 × 10^23 ये आ गया अपने पास। तो ये कितना होता है, ये तो आपने मुझे पहले ही बताया था 1.602 × 10^24 −24 ग्राम, क्योंकि इसका यूनिट तो रहेगा ना, बाकी तो सब यूनिट लेस थे ना, तो ये ग्राम था ना ये वाला पार्ट, तो मैंने ग्राम में लिख लिया।
अब एक बार देखो, मेरे पास आ गया वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, आ गया ये वन एटॉमिक मास यूनिट है। इसको देख के मुझे ये पता चल गया कि किसी भी एटॉमिक मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं 6.023 × 10⁻²। अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक एटम का मास हो जाएगा, एक यूनिट का मास हो जाएगा। 23 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो एक सोडियम एटम का मास। तभी तो आपने लिखा है कि 23 AMU, क्योंकि जब इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो 1/एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है। और इसकी जगह ही तो आपने लिखा AMU, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 1 AMU, उसी की जगह तो लिखा आपने। तो अपन क्या करेंगे, हमें एक बार पता चल गया, अब पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस गिवन है ग्राम में लिखो 1 मोल का मास, एटॉमिक मास यूनिट में लिखो 1 एटम का मास। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/एवोगैड्रो नंबर। किसी का भी मास दे दो आप मुझे, मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके बता दूंगा कि वो एक का मास है, एक यूनिट का मास है। किसी का भी एटॉमिक मास यूनिट दे, ठीक है भाई, हमें एटॉमिक मास यूनिट भी समझ में आया और वो भी समझ में आया। गॉट माय पॉइंट? अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट इट, कि एटॉमिक मास यूनिट हमें कैसे बताना होता है। अब एक बात देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा मास ऑफ, है ना, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है 24 ग्राम्स, क्योंकि 1 एटम की मास बात करोगे तो पीरियोडिक टेबल में ये गिवन है, पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक मास अपन को 24 गिवन होता है मैग्नीशियम। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू दिस मच। मैं AMU को कन्वर्ट कर सकता हूं ना ग्राम में, हाँ कर सकते हो, 1 AMU इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है आपने, 1 AMU का कैलकुलेशन किया था तो आपके पास आया था, therefore 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ये आया था। तो AMU को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या ये एक एटम का मास ग्राम। पर पहले ही आपने बताया था कि अगर किसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास होता है, AMU में लिखा तो 1 एटम का मास होता है, तो ये 1 एटम का मास। अगर एक एटम का मास इतना है तो 1 मोल का मास कितना होगा, तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये पूछ रहे हो एक बनाना का मास इतना है तो एक डजन का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 मोल का पूछोगे तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपन कहेंगे भाई ठीक हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो अपन कहेंगे एक एटम का मास तो मुझे पता है कितना होता है, कितना होता है 24 × 1.67 × 10⁻²⁴ × 6.023 × 10⁻²⁴, ये ग्राम को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब बिल्कुल वैसे कि एक बनाना का मास गिवन है तो बताओ एक डजन का कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक का मास इतना है तो 1 मोल का मास कितना होगा, आपने मोल्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया,
हम सबको पता है, वन बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू दिस मच, अभी लिखा था। मतलब अगर इसको मैं वन बाय एवोगैड्रो नंबर लिखूंगा, ये वन अपॉन लिखूंगा ना, तो इतना होता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 24। तो ये बात तो आप पहले ही बता रहे थे कि अगर इसको ग्राम में लिखो तो एक मोल का मास है, और इसको एमयू में लिखो तो एक का मास है, तो पहले ही बता रहे थे आप मुझे। इसमें क्या मतलब, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज करने की बात ही नहीं है फिर तो, मुझे समझ में आया। तो एक बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि भाई अगर वन मोल का पीरियोडिक टेबल में जो कि बने, अगर वो लिखो तो वन मोल का मास होगा, और अगर उसको एएमयू में लिखो तो वन एटम का मास होगा। जैसे हमने मासेस देखे ना, एटॉमिक मास ना, वैसे ही अपन मॉलिक्यूलर मास भी देख सकते। मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम की जगह मैं मॉलिक्यूल लिखने वाला हूं, तो मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम की जगह मॉलिक्यूल, और मैं इन सबको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला हूं। किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, मॉलिक्यूल। तो जैसे मान लो अपन ने यहां पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, तो मास ऑफ CO2 ले लेता हूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड कर लो भाई, कार्बन प्लस टू ऑक्सीजन एटम, मतलब हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16, 44 ग्राम्स। इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं 44 ग्राम। मास ऑफ वन मोल ऑफ CO2, NaCl को लिख लेता 58.5। H2 लिख देता हूं, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हो गया 16, 18 ग्राम। Cl को लिख लेता हूं 36.5। ये इनके मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या करना होता है, ग्राम को एएमयू में लिखना होता है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl 58.5 एएमयू, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O 18 एएमयू, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl अपन को बताया 35.5 एएमयू लिखो। मतलब मॉलिक्यूल में भी ऐसा करना है अपन को, बिल्कुल। और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना अपन को आता है इंडिविजुअल एटम्स में, जो भी अपन को एटम्स गिवन होंगे उन एटम के मासेस को ऐड करो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। उस मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में लिखोगे तो वन मोल का मास होगा, और अगर उसे एएमयू में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन होता है, कैलकुलेट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो अपन लेंगे भाई, ठीक है 90 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं ना, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई एग्जाम्पल, 18 ग्राम ऑफ H2O
इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 18 ग्राम इज अ स्मॉल ग्राम मास, 1 मोल का मास, कितने मॉलिक्यूल? तो 90 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 90 होता है। इंपॉर्टेंट, कितने मॉलिक्यूल्स होते? तो अपन कहेंगे भाई ये हो जाएगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ऐसे दिस मच मॉलिक्यूल इस तरह। यूनिटरी मेथड, अगर आप मुझसे ऐसे बोलते, एग्जाम्पल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल कैलकुलेट किया अपन ने, मोल्स होता तो अलग होता, ये मॉलिक्यूल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 90 amu ऑफ H2O। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब आपने amu लिखा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 1 amu इज इक्वल टू होता है, मतलब 1 amu अपन को पता है क्या होता है, वो तो आपने बता रखा है। तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 amu। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होता है? 18 amu। तो बताओ 90 amu कितने का मास होगा? 90 amu इज मास ऑफ हाउ मच मॉलिक्यूल? दैट इज 90/18, दैट इज इक्वल टू 5 मॉलिक्यूल। तो अपने पास 5 मॉलिक्यूल अपने आंसर आ गए। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द 90 amu। तो अपन उस बात को ध्यान रखेंगे। अब अपन से एटम भी पूछ सकते हैं ऐसे, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस? तो अपन कहेंगे भाई देखो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम इन 90 amu इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, तो टोटल एटम 15 हो गए। ऐसे बता सकते नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे लगता है वी हैव वेरी क्लियर आइडिया, जो पीरियडिक टेबल में ग्राम में गिवन होंगे वो सब एक मोल के मास होते हैं, उन्हीं को अगर एएमयू में लिखो तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होगा, अगर ग्राम को ही एएमयू में लिख दिया जाए तो वो एक का मास होता है। तो अब अपन ऐसे कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो मैं मोल्स को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फ्रॉम 18 ग्राम, मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं देख। अगर मेरे पास गिवन है 18 ग्राम H2 इज इक्वल टू 1 मोल, 9 ग्राम H2 इज इक्वल टू हाफ मोल, मतलब 18 ग्राम एक डजन है तो उसका आधा 6 कितना होगा? हाफ डजन। तो अगर मैं 4.5 लिखूं तो अपन कहेंगे 1/4 डजन होगा, तो अगर मेरी मर्जी में कहूंगा मैं तो 5 ग्राम लिखूंगा, अब बताओ। तो बन गया ठीक है भाई,
वन मोल होता है 18 ग्राम्स, तो 5 ग्राम कितना होगा, ये हो जाए 18 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल, तो 5 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो आप ना जब किसी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो ज्यादा सोचा मत करो, आप तो सीधा किया करो कितना ग्राम गिवन है और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। अगर एटम का मास गिवन है तो एटॉमिक मास लिख, कितना ग्राम गिवन है डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दो। मतलब मुझे 5 ग्राम में मोल्स बताने थे ना, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स, तो मैंने कहा कितना वेट इन ग्राम गिवन है डिवाइड उसके मॉलिक्यूलर मास से कर दो, हो गया। एटम होता तो एटम का वेट इन ग्राम ले लो, ये वेटिंग ग्राम ही लेना है केजी में भी ले सकते हैं, ग्राम इसलिए क्योंकि जो भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास गिवन होते हैं अपन किसमें लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, इसलिए ग्राम लेना जरूरी है। ठीक है, वैसे ही अपन लिखते हैं जैसे इसको लिखा ना अपन ने, मोल्स का एक इक्वेशन बना लिया कि भाई हाउ, क्योंकि मोल्स का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए अपन ये ग्राम में लेते हैं, इसको भी ग्राम में रखा हुआ है, ये वेट इन ग्राम है, वेट इन ग्राम्स। ग्राम की वजह से, ताकि मोल्स का कोई यूनिट नहीं था। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर मेरे पास वन मोल गिवन है 6.023 × 10³ तो अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल या एटम के एक्स यूनिट गिवन है तो फिर कहेंगे मोल्स कैलकुलेट कर देंगे ना, 1.602 × 10³² इंटू एक्स कर लूंगा, इतना मोल्स हो जाएगी। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन यूनिट्स, तो जितने भी यूनिट आपको गिवन होंगे, जैसे एक्स यूनिट गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन डिवाइडेड बाय 6.023 × 10³² ये भी अपने पास नंबर ऑफ मोल्स बताने का डायरेक्ट तरीका होगा कि अपन कैसे बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि अगर जरूरत पड़ी कि भाई अगर मुझसे आपने कहा कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 इन 2 ग्राम, ठीक है आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोल, तो मैं कहूंगा वेट इन ग्राम कितना गिवन है 2 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास उसका 44, ये लो भाई आंसर आ गया मोल्स आ गया। वन मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.023 × 10³² मॉलिक्यूल्स, तो 2 by 44 मोल्स कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, तो अपन कहते उसमें क्या 1/6.023 × 10³² लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 2/44, ये लो आंसर, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट तो होता नहीं, ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं, इक्वेट कर लो दोनों। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन यूनिट्स डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6.023 × 10³²
अब आप एक बार देखो, ये कांस्टेंट है, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये भी कांस्टेंट है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप मुझे वेट इन ग्राम दो, मैं आपको नंबर ऑफ यूनिट बताता हूँ। आपको 2 ग्राम गिवन था, डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय दिस, मेरे पास यूनिट आ गए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे नंबर ऑफ यूनिट दे दो, वेट इन ग्राम पूछोगे तो नंबर ऑफ यूनिट में इससे डिवाइड करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द वेट इन ग्राम। मतलब मैं जब चाहूं वेट को यूनिट में, यूनिट को वेट में कन्वर्ट कर सकता। ठीक है, अदरवाइज मैं यूनिट मेथड से करूंगा। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। ये पार्ट लिखने पर को बता रहे हैं, अब सपोज थोड़ा सा अपन मूल कंसेप्ट का छोटा सा एक पार्ट डिस्कस करते हैं। मूल कंसेप्ट पूरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अपन वापस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये सारा पार्ट फिर मैं नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा पार्ट है, अदरवाइज वो अपन को पढ़ना होता है। मैं सोच रहा था उसके बाद ही बता देंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम आ गया, तो चलो कोई बात नहीं। मैं कहूंगा वन डजन ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 12 यूनिट्स। भाई एक डजन का मतलब 12 होता है। अब आप डिसाइड कर लो कि मुझे वो एक डजन में क्या बोलना है। एक डजन में मुझे चेयर बोलना है, बनाना बोलना है, मतलब ये क्या बोलना है वो आपको बताना है। तो मेरे लिए भाई अब डजन अपन मॉलिक्यूल और आयन के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, तो अपन ने वन बोल बोल दिया कि वन डजन में 12 होता है। बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा कि देखो भाई किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मतलब ये नंबर होता है। अब आप डिसाइड कर लो कि यहां पर आपको क्या लिखना है। अगर यहां एटम लिखोगे वन मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मैं इतने एटम बोल दूंगा। तो मैं कहूंगा भाई देखो वन मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन, अब आपने कार्बन बोल दिया, यहां डिसाइड कर दिया ना क्या है सब्सटेंस, तो मैं यहां 6.023 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन ये लिखता। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन, ये एवोगाड्रो नंबर को जनरली ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, दिस मच एटम्स ऑफ कार्बन। एवोगाड्रो नंबर को ऐसे, सोडियम नहीं है ये, है सोडियम अलग होता है, इसके ऊपर ऐसे लिखा है एवोगाड्रो नंबर, वो शॉर्ट में लिख लिया वो नंबर को, जब चाहे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब चाहे ऐसे लिख लेंगे। वन मोल ऑफ CH4, अच्छा अब तो आपने मॉलिक्यूल लिखा, तो मुझे सब्सटेंस को अब मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल कंटेन 6.023 मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर 23 मॉलिक्यूल ऑफ सीएच, ये लिखना पड़ेगा वन मोल। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 16 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन Na के बराबर ऑक्सीजन। ठीक है, लिखो हमें क्या फर्क पड़ता है, आप 16 ग्राम लिखो क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है, कार्बन 12 होता है और चार हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम हो गया और ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास। आप इसको ऐसे भी लिखो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वन मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स इन इट
आप एटम बोलना चाहते तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूल कितने हैं, पहले तो ये बताओ। अगर आपके पास पांच मॉलिक्यूल होते और कहते कितने एटम है, तो अपन कहते बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में फाइव एटम्स है, तो अपन कहते टू से मल्टीप्लाई कर दो। अभी आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं एन ए के बराबर और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन है और चार सी एच फोर, टोटल पांच हो गए। तो अपन कहेंगे भाई जितने आपके पास मॉलिक्यूल हैं उनको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे एन ए के बराबर, तो एटम कितने हो गए, तो अपन कहेंगे एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में बताओ कितने एटम भाई। तो जितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास उसका फाइव टाइम्स एटम्स हो जाएंगे। ओके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ सी एच फोर कंटेन हाइड्रोजन एटम। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है आपके पास एन ए के बराबर और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, चार, तो फोर इंटू फोर ठीक है। आप कार्बन एटम पूछ लो भाई, तो अपन कहेंगे उतने ही हो जाएंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन एटम। वन मोल ऑफ सी एच फोर कंटेन, मेरी मर्जी में तो इलेक्ट्रॉन पूछोगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे भाई अब ये बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, अपन कहेंगे एन ए के बराबर, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपन कहेंगे भाई एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है, हाइड्रोजन का वन होता है, तो सिक्स हो गया और चार हाइड्रोजन है मतलब फोर हो गया, टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास एन ए के बराबर, मल्टीप्लाई कर दो उसमें क्या नंबर। अच्छा ठीक है, वन मोल ऑफ सी एच फोर मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बताओ कितने होंगे, तो क्या लिखे कितना आएगा, टेन एन ए आएगा, तो अपन लिखेंगे सिक्स एन ए आएगा, सिक्स एन ए क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है वो ट्वेल्व और सिक्स ऐसे होता है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं ट्वेल्व माइनस सिक्स, तो सिक्स होता है भाई न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तभी तो उसका नाम भी प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम को अपन प्रोटॉन बोलते ना, तो मैंने उसको जानबूझ के ही पूछा, अब मुझे पता है आप हाइड्रोजन में प्रोटॉन की गड़बड़ ना कर दो इसलिए पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होगा नहीं, सिर्फ कार्बन में होगा, और कितने होंगे सिक्स होंगे, तो वही कैलकुलेट कर दो। दिस इज हाउ वी कैन गेट द क्वेश्चंस। अब
मोल कॉन्सेप्ट में अभी जो भी क्वेश्चन अपन को मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे, इसी में अपना कैलकुलेशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर मुझे किसी में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है तो चलो एक बात देखते हैं अपन को करना क्या। मैं यहां से एक आंसर बना देता हूं, अपन क्या करेंगे, अगर मुझे वेट एंड ग्राम के बने, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन मोल्स के बगैर नहीं होता, केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन मोल्स के बगैर नहीं होता। तो अब तक अपन ने क्या सीख लिया भाई, अगर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है तो नंबर ऑफ यूनिट्स से मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय एन, मतलब एवोगैड्रो नंबर, उससे मोल्स आ जाएगा। और अगर मुझे वेट इन ग्राम गिवन है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो अपन कैसे कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट अगर एटम गिवन है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल गिवन है। अगर मुझे मोल्स से यूनिट कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करना, और अगर मुझे मोल्स से वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। अपन क्योंकि ठीक है ना, ये तो आपने पहले ही बता दिया था, अब क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है, आपने लिखा तो था इसको और भी अच्छे तरीके से लिखा था आपने, ऐसे अब क्या जरूरत है भाई, आपने अभी लिखा तो था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये लिखा ही तो है भाई। अगर वेट दोगे तो वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लूंगा या एटॉमिक वेट से, तो मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई करूंगा एनए से, मल्टीप्लाई करूंगा एनए से यूनिट्स आ जाएंगे, तो वो हो तो गया भाई। अगर वेट दिया है यूनिट चाहिए तो वेट से यूनिट डिवाइड करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे अंदर आ गया। तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोस। अब आपने कहा 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोस, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, पहले तो ग्लूकोस का फॉर्मूला बता दो, ग्लूकोस इज C6H12O6, अपन सबको पता होता है, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो कैलकुलेट करना होगा भाई। कैसे, 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम, सबके एटॉमिक मास 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो उसमें 12, फिर 6 को 16 से मल्टीप्लाई करो उसको भी ऐड करो, 180 ग्राम। लो भाई अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपने मुझे दे रखा है 1.8, ये आपने दे रखा है मुझे मॉलिक्यूलर मास 180, ये मैं मॉलिक्यूल हो जाएंगे क्योंकि वो मॉलिक्यूल है, ये मुझे पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोस मॉलिक्यूल है ना, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए अपने पास, कितने मॉलिक्यूल आ गए, तो बताएंगे भाई लो ये यूनिट्स आ गए अपने पास, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय एन, इतने आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, गिवन मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, तो अपन कहेंगे भाई एटम मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास इतने, अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 24, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 24, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको 24 से मल्टीप्लाई करते, तो कितने एटम्स, ये आया अपने पास 0.01 Na मल्टीप्लाई बाय 24, मेरे पास आंसर आया 0.24 Na। लो भाई इतने एटम्स हो गए, अब बताओ
आप वेट इन ग्राम दो, मैं यूनिट्स कैलकुलेट कर देता हूँ, आप यूनिट्स दो, कैलकुलेट कर देता हूँ कितना ग्राम हो। अब मान लो मुझे ऐसे कहना है, दूसरा क्वेश्चन निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम एन माइनस नाइट्राइड आयन बोलेंगे, एन माइनस थ्री इज वॉट नाइट्राइड आयन, एन माइनस थ्री इज नाइट्राइड आयन, ठीक है। वेट इन ग्राम दिया ना, तो मैं नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेता हूं, ये एटम है ना, तो मैं क्या करूंगा, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि अब आपने मुझे एटम दिया, मॉलिक्यूल थोड़ी दिया, कैलकुलेट कर लो, आंसर लिख रहा हूं। अब कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, नाइट्रोजन का बस एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसलिए एटॉमिक मासेस हमें 30 तक तो सबके पता हो तो ज्यादा अच्छा। वेट इन ग्राम कितना गिवन है, 7 दिया, एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, डिवाइड बाय एनए, तो लो भाई नंबर ऑफ एटम आ गए, अगेन नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 7/12, 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 है। क्या पूछा था आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लो भाई देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस थ्री, तो मेरे पास एन माइनस थ्री है कितने, 0.5 है। अच्छा, एक एन माइनस थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपन कहेंगे अगर न्यूट्रल एटम होता तो 7 होते नाइट्रोजन में, लेकिन माइनस थ्री है तो 3 और ऐड किए होंगे आपने, तो टोटल कितने होंगे, 10 हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अजय तो मैंने कहा भाई ठीक है, इसमें अपन लिख लेते हैं 0.5 इंटू एन ए इंटू 10 कर देता हूं, ये लो भाई 5 एन ए, क्या आंसर, याद करो, मतलब कैलकुलेशंस विल बी लाइक दिस ओनली, इसके अलावा बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं होता। So, इस टाइप से कैलकुलेशन अपन से पूछे, ये रिपीट पुट है, अभी बताएं कि भाई जैसे कुछ वर्ड्स भी अपन को ऐसे फंसा देते हैं वर्ड्स में, जैसे एटोमिसिटी, एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन गिवन, जो भी अपन को गिवन होगा ना उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अपन को एटमोसिटी गिवन का, वो एटमोसिटी है। जैसे अगर एक ही एटम है तो मोनोएटॉमिक होता है, मोनोएटॉमिक, जैसे सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, दे आर मोनोटॉमिक, नियॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, दे आर मोनोटॉमिक, मतलब एक ही एटम जैसे एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड मोनोटॉमिक। तो डायटॉमिक, तो फिर क्या है, डाया मतलब दो, तो जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, राइट, CO हो गया, NO हो गया, मतलब डायटॉमिक में ये तो जरूरी नहीं है ना कि सेम टाइप के एटम होने चाहिए, नहीं, आप तो एटोमिसिटी पूछ रहे, कितने एटम हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दैट इज डायटॉमिक। तो ट्राइटॉमिक मतलब जिसमें 3 एटम हो गए, ट्राइटॉमिक, ठीक है भाई, तो O3 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, दैट इज ट्राइटॉमिक, जिसमें 3 एटम है, दैट इज लाइक वी से दैट कि भाई ये एटमोसिटी है, ठीक है, एटमोसिटी लिख लिया।
फिर ना कुछ पॉइंट्स में बना से लिख लेता हूँ भाई, दूसरा पॉइंट है मास ऑफ, मैं ना ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, ठीक है भाई। अब अगर मुझे ऐसे की बनना वन ग्राम एटम ऑफ सोडियम इजिकल टू 23 ग्राम इजिकल टू वन मोल ऑफ सोडियम, अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। वन ग्राम ऑफ सोडियम एटम इजिकल टू 1/23 मोल्स ऑफ सोडियम। अब देखो भाई मैं आपको बता रहा था वो वर्ड्स का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर, वो इसलिए हटाया था मैंने वहां कि अभी अपन थोड़ा सा और सीखते हैं, फिर उसके बाद अपन वर्ड्स के लॉजिक में जाएंगे भाई करना क्या है। देख यहां पर लिखा अपन ने वन ग्राम एटम, वन ग्राम एटम का मतलब वन मोल, लेकिन वन ग्राम ऑफ कोई दो एटम आपने कंसिडर करके बताया एटम, यहां पर अलग लिखा हुआ वन ग्राम ऑफ सोडियम एटम, मतलब एक ग्राम सोडियम है मोल्स बताओ कितने होंगे, तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। लेकिन अगर आप लिखोगे वन ग्राम एटम तो इट डजंट मीन कि वन ग्राम सोडियम है आपके पास, वन मोल ऑफ सोडियम है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूंगा कि मेरे पास ये भी होगा, देखना इधर भी बना सकेंगे, ग्राम वाले ग्राम मास ऑफ दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ, ये मास लिखना था मैंने, मतलब मोल्स ही लिख दिया, मोल्स ऑफ वन मोल थोड़ी होगा मास होगा, मास ऑफ बिल्कुल ऐसे जैसे एटम के लिए लिखा अपने ग्राम एटॉमिक मास, हर मॉलिक्यूल की बात करो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इधर ऐसे लिखूंगा मैं, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, आपने वन ग्राम मॉलिक्यूल लिखा मतलब वन मोल 18 ग्राम, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, अब लिखा मैंने मतलब H2O मॉलिक्यूल का 1 ग्राम, अब ये 1/18 मोल्स हो जाएगा। उस वर्ड्स को ध्यान रखना मुझे ऐसे की बना कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट इन टू ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ग्राम एटम्स ना मतलब टू मोल्स, वन ग्राम एटम ऑफ Na इज इक्वल टू वन मोल, तो टू ग्राम एटम ऑफ Na इज इक्वल टू टू मोल्स, तो दो मोल में कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10^23, 2 मोल्स था ना, मुझे एटम पूछे आपने नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 ग्राम एटम्स, तो 2 ग्राम एटम का मतलब 2 मोल्स,
फिर एक दूसरा पार्ट और वी कैन राइट लाइक दिस, ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे एटोमिसिटी है, ग्राम एटम है, इसलिए मैंने ग्राम एटॉमिक मास में तब नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था तब अगर मैं बताता तो तुमको कंफ्यूजन होता, मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको है तो आप मुझे बताओ कि इस पार्ट में कंफ्यूजन है। नाउ मैं चार्ज की बात करता हूं, ठीक है, तो अपन को पता है चार्ज ऑफ वन पार्टिकल दैट इज वन इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10 के पार माइनस 19 कूलम्स। चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ भाई 1.602 into 10 के पार माइनस 19 कूलम्स, तो वन मोल के लिए मतलब अगर मैं कहता चार्ज ऑफ वन डजन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वन मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर, इतना आएगा, ठीक। अपन तो पता है व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन से पूछो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4600 कूलम ऑफ चार्ज, देखिए उसमें क्या, मुझे किसी का नंबर बताने के लिए उसका मोल्स चाहिए और मोल्स के बाद एवोगैड्रो नंबर से कैलकुलेट करूंगा, तो पहले तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं नंबर, पहले तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं वही वन मोल कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वन मोल इज इक्वल टू 96, या उल्टा लिख लेते हैं 96500 इज इक्वल टू वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4600 कूलम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, तो 1/96500 मल्टीप्लाई बाय 4600 ये मोल्स, और मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कन्वर्ट करते हो यूनिट्स में, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, अगर आप वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर का चार्ज ये है तो इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स में होगा, यूनिटरी मेथड लगाया अपन ने, तो आपने सिखाया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्ज फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं चार्ज के बारे में, बिकॉज छोटे छोटे मोल्स के कॉन्सेप्ट ना उसी को अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अब मान लो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन ऐसे लिखा अपना कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 196 AMU of H2SO4, ऐसे मुझे क्वेश्चन के बने, बताओ कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, नाइन थर्टी हो चुका, अरे यार तुम लोगों ने बताया नहीं 9:30 हो चुका, बस ये लास्ट है, इसे अगर क्लास का टाइम हो चुका हो ना तो तुम लोग बता दिए, तो इतना ज्यादा थोड़ी पढ़ना है यार, आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस जो समझ में नहीं आया उसको बोलना सीख जाओ कि हमको ये समझ में, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, आंसर
मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है? 96 98 ग्राम, बिल्कुल बिल्कुल 98 ग्राम। अब अपन क्या करेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा? तो अपन कहेंगे 96 98 AMU। देयरफॉर 196 AMU इज मास ऑफ टू मॉलिक्यूल, मास ऑफ टू मॉलिक्यूल। अपने पास ना इसके दो मॉलिक्यूल है। अब H2SO4 के अगर दो मॉलिक्यूल है तो वन मॉलिक्यूल हैज कितने एटम्स हैं? टू प्लस ये थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन एटम। तो टू मॉलिक्यूल्स मिला 14 एटम्स। ये लो भाई अपना आंसर आ गया, 14 एटम्स हैं। समझ में आया? तो अपन यहीं रुक जाते हैं और नेक्स्ट टाइम अपन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा सा गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, अभी इतना ही रुक जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जो बच्चे नए बच्चे हैं ना जिन्होंने ITC के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, वो बच्चे अप टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में अप टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चलो थैंक यू, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम।